हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और रेडमी K20 प्रो के अंदर लेटेस्ट अपडेट आ चुका है एवोल्यूशन एक्स की ओर से। अब जो है गूगल ने कल रिलीज किया था जुलाई का सिक्योरिटी पैच लेवल पिक्सल डिवाइसेस के अंदर, और यहां पर ना अभी एवोल्यूशन एक्स के अंदर भी जो है जुलाई का सिक्योरिटी पैच लेवल मर्ज हो चुका है और सबसे पहले अपडेट आ चुका है रेडमी K20 प्रो के अंदर, और मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। मॉर्निंग से मैं यूज कर रहा हूँ एंड जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर क्या कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस है, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले प्लीज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना एंड वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर से करना। सबसे पहले अबाउट फोन पेज की बात करेंगे तो टिपिकल एवोल्यूशन एक्स का लोगो है, एंड्रॉइड वर्जन 12L ऑफ कोर्स मिलेगा और एवोल्यूशन एक्स वर्जन 6.6 हेल फायर रफाइल ऑफिशियल अपडेट हो चुका है और जुलाई का सिक्योरिटी पैच लेवल मर्ज हो चुका है। देन सोवियत स्टार कर्नल है एंड जो सिलिनिक स्टेटस है रोम के अंदर एनफोर्सिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली सभी चीजें चेक करवा देता हूं। सबसे पहले आपका डिवाइस सर्टिफाइड है, वाइड बैंड L1 आपको मिल जाएगा, उसके बाद गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग आपको मिल जाएगी एंड जो 18 वॉट से चार्जिंग स्पीड है वो आपको कुछ ऐसी मिलेगी जो कि एक्सीलेंट बोलना चाहूंगा। चार्जिंग के टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास गया था, बाकी डिपेंड करता है आपका एम्बियंट टेम्परेचर कितना है, बट हाँ कोई ऐसे मेजर हीटिंग इश्यूज मेरे को नहीं लगे यहां पर चार्जिंग के टाइम में। बैटरी कंजप्शन भी चेक करवा देता हूं। नॉर्मली अगर आप रोम को यूज करोगे तो यहां पर जो एक्टिव ड्रेन मेरा गया ना ऑलमोस्ट 10% पर आर के आसपास था और जो आइडल ड्रेन है 0% पर आर के आसपास है। आइडल ड्रेन आप यहां पर थोड़ा बेटर यहां पर चेक कर सकते हो, 0.27% के आसपास यहां पर मेरे को मिल रहा है पर आर के आसपास और डीप स्लीप यहां पर काफी अच्छे से वर्किंग है। सो बैटरी कंजप्शन भी काफी अच्छा आपको मिल जाएगा इस अपडेट का। देन सीपीयू थ्रॉटलिंग की बात करेंगे, 86% तक आपका सीपीयू थ्रॉटल होता है, 210,000 के आसपास मैक्सिमम जीआईपीएस और एवरेज है 186,000 के आसपास, और जो गीकबेंच 5 के स्कोर्स हैं वो आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसे आपको मिल जाएंगे। इसका जो स्टॉक कैमरा है लिनीजोएस बेस्ड कैमरा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ट्राई कर सकते हो। और एनएक्स के अंदर अल्ट्रा वाइड आपका यहां पर डेड रहने वाला है, पोर्ट्रेट मोड आपका वर्क नहीं करेगा, वीडियो 4K 60fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो मोर है ना यहां पर आपको स्लो मोशन है वो मैं चेक करवा देता हूं। सो स्लो मोशन वीडियोस आप जो है 1080p 960fps के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो, स्लो मोशन वीडियोस के अंदर कोई इशू आपको नहीं आएगा। एंड एक चीज और चेक करवा देता हूं, यहां पर जो आपका फ्रंट कैमरा है ना आई थिंक यहां पर वर्क नहीं करेगा, सो फ्रंट कैमरा के अंदर भी आपको बग देखने को मिल जाएगा। अब एक्सपीरियंस की बात करेंगे, सबसे पहले सेटिंग के अंदर आ जाते हैं एंड इनेबल करते हैं 72Hz के ऊपर रिफ्रेश रेट को। तो यहां पर तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे, मिनिमम रिफ्रेश रेट और मैक्सिमम, और आप इसको जो है अडेप्टिव भी कर सकते हो। मैं यहां पर अडेप्टिव के ऊपर ले चलता हूं, यानी कि मिनिमम अगर आप 60 रखते हो तो मैक्सिमम आपको 72Hz करना पड़ेगा, तभी आपका जो रिफ्रेश रेट है वो अडेप्टिव रहने वाला है। और लो पावर रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है, अभी जो स्मूथ डिस्प्ले है ना वो रिमूव हो चुका है जो कि प्रीवियस अपडेट के अंदर मैंने आपको दिखाया था। तो यहां पर जो एक्सपीरियंस है 72Hz के साथ में वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। सो यूआई का अगर आप एक्सपीरियंस बेटर लेना चाहते हो ना तो आप 72Hz यहां पर यूज करो, बाकी 60Hz कहां पर यूज करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट जो 72Hz की स्मूथनेस है ना वो आप डेफिनेटली फील करोगे जब आप इसको इनेबल करोगे। सो काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन आपको मिल जाती है, और मैं इसको 72Hz के ऊपर यूज कर रहा था नॉर्मली जब मैंने आपको बैटरी कंजप्शन वगैरह चेक करवाया। और यहां पर जो है क्विक सेटिंग पैनल डार्क मोड के अंदर है, यहां पर कोई भी स्टटरिंग लैग आपको नहीं मिलेगा इसको पुल डाउन करने में। लेफ्ट साइड में जो गूगल कार्ड है यहां पर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो आप चेक कर सकते हो, कुछ ऐसी है। और पिक्सल लॉन्चर आपको मिल जाता है, और इस अपडेट के अंदर ना आपको यहां पर ये वाला बग फिक्स्ड देखने को मिलेगा। जितने भी नए चेंजेस है ना मिनिमल से वो मैं आपको यहां पर चेक करवाता हूं। स्टार्टिंग करेंगे दी इवॉल्वर से, तो दी इवॉल्वर के अंदर थीम्स वाला सेक्शन ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगा, कोई नया चेंज आपको यहां पर नहीं मिलेगा। अब अगर आप स्टेटस बार के अंदर आओगे, स्टेटस बार आइटम्स आपको मिलती है ना, इनके साथ जो आइकॉन्स है वो अभी अपडेट हो चुके हैं इस अपडेट के अंदर। वैसे आई थिंक यहां पर ये जो आइकॉन्स थे पहले नहीं प्रेजेंट थे, बट फिलहाल आपको ये वाली चीज मिल जाती है। बाकी लोगो है, ट्रैफिक इंडिकेटर वगैरह है, और बैटरी स्टाइल्स आपको काफी सारे मिल जाते हैं। देन बैटरी परसेंटेज के अंदर नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको मिलता है, और नंबर ऑफ वोल्ट आइकॉन्स आपको 24 मिलेंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अंदर भी सेम चीजें हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियसली चेक करवाई थी। क्विक सेटिंग के अंदर मेरे को थोड़े से चेंजेस लगे हैं, लाइक जो म्यूजिक टाइल ट्रैक टाइटल है ना ये अभी ऐड हो चुका है। उसके बाद ये वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा QQS पुल डाउन वाला, जो कि प्रीवियस अपडेट के अंदर ऐड हुआ था। देन आर्टवर्क मीडिया बैकग्राउंड है ना इसके अंदर, फेड अमाउंट फॉर मीडिया आर्टवर्क आई थिंक ये नया ऐड हुआ है, और ये वाला ट्रांसपेरेंसी ऑफ मीडिया आर्टवर्क भी आई थिंक यहां पर इसी अपडेट के अंदर ऐड हुआ है। बाकी ये वाला ऑप्शन था पहले ब्लर मीडिया आर्टवर्क वगैरह वाला, तो ये चीज आपको यहां पर पहले से मिल जाती है। बाकी डेटा यूसेज वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। पावर मेन्यू में एडवांस रीस्टार्ट है, जस्टिस के अंदर ये वाले ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो कि मैं आपको आगे चेक करवाऊंगा। और यहां पर जो है सब कुछ सेम आपको चीजें मिलने वाली हैं। बाकी नए चेंजेस फिलहाल यहां पर आप बोल सकते हो ना के बराबर हैं, थोड़े थोड़े
थोड़े मिनिमल से चेंजेस हैं। गेम स्पेस के अंदर भी आपको सभी जो है लेटेस्ट अपडेटेड चीजें मिलेंगी। और ये स्पूफिंग वाले ऑप्शंस हैं, पल्स का ऑप्शन है, जिटर का ऑप्शन यहां पर आ चुका है, जिटर आप चेक कर सकते हो। बाकी जो है डेवलपर ऑप्शंस के अंदर ये वाली चीजें आपको मिलती हैं। यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन यहां पे मिलेगा और दी टीम का ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा। नाउ फीचर्स की बात करेंगे तो इस एप्स के अंदर आते हैं तो यहां पर गेम स्पेस आ चुका है और ये पहले से ही था। और उसके बाद बैटरी के अंदर आप देखोगे आइडल मैनेजर और 24 आवर्स वाला स्टेट्स आप चेकआउट कर सकते हो। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर एक्स्ट्रा में आपको मी साउंड इनहेंसर हैप्टिक फीडबैक लेवल आप कम ज्यादा कर सकते हो। पर है वॉल्यूम कंट्रोल है, क्लियर स्पीकर है, देन रिंगटोन वाइब्रेशन पैटर्न है और ये आप चीजें यहां पर कस्टमाइज कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर आपको मैं चेक करवाता हूं, पॉकेट डिटेक्शन है, उसके बाद वॉलपेपर जूम इफेक्ट है, लाइव डिस्प्ले में कलर कैलिब्रेशन वगैरह आपको मिल जाएगा और एंटी फ्लिकर मोड है, रीडिंग मोड आपको मिलेगा। बट जो हाई ब्राइटनेस मोड है आई थिंक वो भी रिमूव हो चुका है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सो हाई ब्राइटनेस मोड यहां पर अभी आपको नहीं मिलता, बट जो है आउटडोर वाला एक मोड मिलता है। बाकी ये वाले डिस्प्ले वाले सेक्शन मैंने चेक करवा दिए, टैप टू वेक है, स्क्रीन ऑफ है, फुड यहां पर मिल जाएगा और वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर अपग्रेड्स मैक्सिमम 5x5 तक मिलेंगे। थीम आइकन वगैरह सेम मिलता है। और सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यहां पर फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट दोनों आपके लिए प्रेजेंट है। सबसे पहले स्क्रीन ऑफ एफओडी की स्पीड में आपको बाद में चेक करवाऊंगा, बट उससे पहले स्क्रीन ऑन के साथ में जो स्पीड है वो आप चेक कर सकते हो। कुछ जो स्पीड है ना वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, एक्सीलेंट स्पीड है स्क्रीन ऑन के साथ में, एंड स्क्रीन ऑफ के साथ में भी जो स्पीड है वो एक्सीलेंट आपको मिलेगी। सो यहां पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, जो स्पीड है वो एक्सीलेंट एंड फास्ट आपको मिलती है। यहां पर अपडेटर है, यहां से ओटी अपडेट्स चेकआउट कर सकते हो, देन स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है, एंड जेस्चर्स के अंदर वही ऑप्शंस हैं जो कि आप चेक कर सकते हो, स्पेस अंडर द कीबोर्ड वाले ऑप्शंस हैं, जेस्चर इंडिकेटर हाइड कर सकते हो और पिल की लेंथ रेडियस वगैरह अपने अकॉर्डिंगली आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा के अंदर आपको वैसे कुछ फीचर्स नहीं मिलते, बड़ा जो चेंजेस थे वो मैंने आपको यहां पर चेक करवा दिया। इस अपडेट के अंदर आप 90 FPS इनेबल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको स्पूफिंग वाले सेक्शन के अंदर चेक करवाए थे, वहां से आप जो है 90 FPS इनेबल करना, एंड 72 Hz आप यहां पर इनेबल कर सकते हो। अब गेमिंग की बात करेंगे, 72 FPS यहां पर उतने अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड आपको नहीं मिलता। सो मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड करूंगा, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो स्पेशली इस अपडेट के ऊपर, तो डेफिनेटली कर सकते हो। जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको 11th जून वाला जो बिल्ड था ना सेम वैसी देखने को मिल जाती है, उसको आपको जो है फ्लैश करने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हां, यहां पर आप जो है 60 FPS के ऊपर खेलना, तभी आपको जो है गेम के अंदर वो रिस्पॉन्सिवनेस मिलेगी, वो स्मूथनेस मिलेगी और जो FPS है ना वो लिटरली काफी ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। स्पेशली तो मेरे को रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर इशू है 72 Hz के साथ में, थोड़ा टच का भी थोड़ा दिक्कत आती है 72 Hz के ऊपर, और 60 Hz के ऊपर जो एक्सपीरियंस है ना वो डेफिनेटली काफी इंप्रूव हो चुका है। सो परफॉर्मेंस काफी अच्छी हो चुकी है इस अपडेट की, आप इसको डेफिनेटली गेमिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। बाकी यहां पर जो है आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करते हो ना तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। हाँ, सिर्फ मैंने पूरा जब मैच खेला ना सिर्फ और सिर्फ एक बार यहां पर फ्रेम ड्रॉप हुआ था, बट आप ये चीज भी ध्यान में रखना, यहां पर जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ में कर रहा हूं, सो आप मे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बिना रोम को यूज करे होंगे या फिर गेमिंग करते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आई थिंक नहीं आने वाली, कोई हीटिंग इशू नहीं आएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास गया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी। सो इस रोम को आप डेफिनेटली गेमिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, ये स्पेशली अपडेट काफी अच्छा हो चुका है, बैटरी कंजप्शन काफी अच्छा है, 72 Hz के ऊपर आप जो है UI का बेटर एक्सपीरियंस ले सकते हो और 60 Hz के ऊपर आप गेमिंग काफी अच्छी कर सकते हो। बाकी साइबेरिया प्रोजेक्ट का लेटेस्ट अपडेट रिव्यू कर रखा है मैंने, अगर आप इंटरेस्टेड हो 5.5 के लेटेस्ट अपडेट के अंदर तो वीडियो आप चेकआउट कर लेना, वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।